बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इबाद जी, आप कैसे हैं? हम सब जी अल्लाह पाक का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से हैं जी, और उम्मीद करते हैं कि आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो वह सहरी हो चुकी है जी, तकरीबन अढ़ाई हो चुके हैं, लेकिन 2:30 हो चुके हैं। तो आज जी हमने बनानी है रेसिपी भी, तो क्योंकि कल जी हमने वो अपना हमारा बचा हुआ सालन पड़ा था वही हमने खा लिया था, तो आज सहरी में जी कुछ ना कुछ बनाना है। तो देखिए जी, बाहर पहले आपको दिखाते हैं, फिर बाजियां देखते हैं जी क्या कर रही हैं। और ये देखिए जी, बाहर का सामान देखिए जी, खामोशी बिल्कुल जी, दूर जी देखिए ढोल की आवाज आ रही है। अभी जी ढोल वाला हमारे दरवाजे के जी बाहर भी ढोल बजा कर गया है और हमें उठा कर गया जी। और ये देखिए जी, बिल्कुल जी सन्नाटा छाया हुआ है और ढोल वाला जी पूरे गांव को जगा रहा है। तो हम चलते हैं जी अंदर। तो सबसे पहले जी करते हैं दरवाज़ा बंद, और उसके बाद जी करते हैं इधर चूल्हे की सेटिंग, और फिर देखते हैं जी बाजियां क्या कर रही हैं। बाजी भी उठ गई हैं जी और ये चीज़ें निकाल रही हैं। दूध निकाला है? दही। अच्छा, दही जम गया। चलो जी, दही भी माशाल्लाह जम गया। तो तैयारी करें फिर सालन बनाने की। चलें जी सर। तो सबसे पहले जी चूल्हा रखते हैं जी साइड पर। तो मैंने जी सारा सामान रख लिया अपनी रेसिपी का। आज हम बनाएंगे जी प्याज और अंडे, और इसमें टमाटर भी डालेंगे। तो सबसे पहले जी मैं टमाटर की कटिंग कर लेती हूँ। और ये वाला जो सामान है जी, ये प्याज और ये सब्ज़ मिर्च, ये जी हमने रात को ही तैयार करके रख ली थी ताकि सुबह हमें देर ना हो जाए। तो जल्दी जल्दी टमाटर की कटिंग करते हैं, फिर अपनी जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टमाटर की जी मैंने कटिंग कर ली है, तो जल्दी जल्दी फ्लेम को ऑन करते हैं और अपनी जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जी सादा तरीके के साथ जी हम अपने ये बनाते हैं रेसिपी। तो ये प्याज है जी हमारे तकरीबन 4 अदर, इसमें लहर रखना है इनकी जी, इनको जी हमने चॉप किया हुआ है। ये आधा किलो जी हमारे टमाटर है जिनको इस तरह जी मैंने बारीक बारीक इनकी कटिंग कर दी, तो इनको भी जी डाल देते हैं। और ये है जी हमारी सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 4 अदर, 5 अदर होंगी जी, इनको भी डाल देते हैं, इनको भी जी चॉप किया हुआ है। और अब इसमें डालेंगे जी अपना मसाला जार, एक एक चम्मच भी डाल देंगे, एक चम्मच नमक, एक चम्मच सूख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच जी ये सूखा धनिया पिसा हुआ, और थोड़ा सा जी डालेंगे पानी ताकि हमारे प्याज और टमाटर जो है वो गल जाए। मिक्स। चलो जी, सारी चीज़ों को जो मैंने मिक्स कर दिया पानी डालकर, तो आप इसके ऊपर रख देते हैं जी ढककर। ये जी हमारी सालसा पकती रहेगी, और इधर सबसे पहले बनाते हैं ग्रीन टी, क्योंकि हमारे बच्चे जी ग्रीन टी लाजमी पीते हैं, उसके बाद जी चाय भी बनेगी, तो फिर जी बाजी बनाएंगे पराठे। पानी मैंने रख दिया जी, साथ साथ ये हमारी ग्रीन टी भी बनती रहेगी और साथ साथ हमारी धनिया भी बनती रहेगी। पानी में जो उबाल आ चुका है, तो सबसे पहले इसमें डालेंगे जी सब्ज इलायची, थोड़ा सा डालेंगे जी ये ग्रीन टी, और ये थोड़ा सा नमक, चलो जी ग्रीन टी की सास पकती गई, उसके बाद जी बनाते हैं पराठे। चलो जी, अब बाजी लेके आएंगे जी आटा, कावा बन गया है, तो चले जी बाजी आटा लेके आ रही है। और ये बाजमीना भी उठ गई हैं जी, हाथ मुँह धो के जी अंदर अभी जा रही हैं। चलो जी, बाजी बैठ गई हैं जी, और कावा पक गया जी, और कावे को जी नीचे रख देते हैं, तवे को जी रख लेते हैं चूल्हे के ऊपर। ये चेक करते हैं जी अपनी हंडिया, अभी थोड़ा सा पानी है बस इसमें, फिर जी इसमें डालते हैं घी और ये वाले अंडे, और अब बनेंगे जी पराठे। माशाल्लाह जी,
बनेंगे जी मक्खन वाले। सादा तरीके के साथ ही जी पराठे बनाती हैं बाजी, जिस तरह के अंदर वैसे लगाएंगे और फिर इसकी दो तह लगाकर फिर इसके अंदर जी मक्खन लगाएंगे। और ये देखिए जी फिर लगा दिया, और ये जी बाल दे दिए, और सिंपल और सादा पराठा जी तैयार है। पेड़ा बन गया जी माशाल्लाह जी, पराठे जी हमारे स्टार्ट हो गया बनने। दरवाज़ा जी मैंने खोल दिया है क्योंकि गर्मी हो रही थी। चलो जी माशाल्लाह जी पराठा जी डाल चुका है, और इसी तरह जी आप दूसरा पराठा भी सेम बाल वाले पराठे होते हैं जी बाजी में हाथों से बनाती हैं जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बेलन के बगैर। ये देखिए जी मक्खन लगाती जाएंगे अंदर, और ये एक तह लगा के और फिर ये दोबारा जी मक्खन लगा रही हैं। और ये अब बाल दे दिया जी बड़ा सिंपल और सादे तरीके के साथ, माशाल्लाह ज़बरदस्त पेड़ा बन गया है। साथ साथ जी पेड़े बनते जा रहे हैं और साथ साथ दे पराठा। चले जी अब पराठे को लगाएंगे मक्खन। चले जी पहला पराठा जी तैयार है, तो अब इसको जी उतार लेते हैं। दूसरा पराठा जी अब ये डाल देते हैं। और ये देखिए जी ये हमारी रेसिपी जो है वो तैयार होने वाली है। इसमें से पानी खुश्क हो चुका है, अब इसमें डालते हैं जी घी और इसको कर लेते हैं जी फ्राई। तो भी बस प्याज और टमाटर भी हमारे फ्राई हो चुके हैं और घी भी निकल आया जी। अब इसमें डालते हैं अंडे। हमारी जी रेसिपी तैयार हो चुकी है अंडों वाली, अंडे और प्याज वाली। तो अब यहाँ पर रखते हैं जी चाय का पानी। घी भी निकल आया है, पानी खुश्क हो चुका है। तो भी बस मैंने जी देखे वहाँ पे चाय का पानी रख दिया है, और हमारे जी तीन पराठे बन चुके हैं माशाल्लाह जी। ये देखें मक्खन वाले बन गए हैं जी ज़बरदस्त पराठे, और हमारी जी रेसिपी भी तैयार हो गई है। तो फिलहाल जी बाजी मीना को देते हैं नाश्ता सैरी है बाजी। आ जाओ बाजी खिलो गए हो, जल्दी आओ टाइम हो गया जी। और यहाँ पे बिछाते हैं जी चटाई। चले जी बाजी इधर बैठ के जी सैरी करती हैं, और यहाँ से निकालते हैं जी दही, क्योंकि बाजी जो है सैरी दही के साथ करती हैं। हमारी दही इसको लेकर चलते हैं जी उस साइड पर, बाजी बैठी हुई हैं उनको देते हैं जी बाजी का पराठा। ये लें जी बाजी का दही माशाल्लाह जी, घर में लगाया होता है जी हमारे दही, ये घर का जमा हुआ दही। चले जी बाजी मीना जो है अपनी सैरी कर लेती है, मैं जा रही थी हस्बैंड साहब को जगाने।
चाहे रख दिया जी, वो चाय के बगैर जी बिल्कुल सैर नहीं करेंगे। पत्ती डालते हैं जी, पानी जी हल्का हल्का नीम गर्म हो गया, जल्दी टाइम जी गुजर रहा है, जल्दी जल्दी चाय बनाते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त गोल्डन पराठा बन रहा है माशाल्लाह जी। हमारे जी आज ज़बरदस्त पराठे बन रहे हैं मक्खन वाले। ये देखिए जी उबाल आ गया है तो दूध डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स चाय भी हमारी बन चुकी है जी, तो इसको बस उबाल ही आना है, तो मैं जल्दी जल्दी जाके जी हस्बैंड साहब को जगा के लाती हूँ और फिर वो भी सारी चाय निकाल लें। ठीक है भाई, आप चाय का ध्यान रखिएगा। ठीक है, हस्बैंड साहब उठे हुए हैं जी, लाइट जलाते हैं, मेरे साथ ही उठ जाते हैं जब मैं ऊपर जाती हूँ। हाँ जी उठे हुए हैं। अच्छा, 3:30 हो गए हैं जी। अच्छा, तो आपका पराठा भी बन गया है, चाय भी बन गई है और वो अंडे भी बन गए प्याज वाले। आ जाए चले। अच्छा चलो जल्दी आ जाए, फिर मैं जाऊँ। चलो जल्दी आ जाए, हर चीज़ तैयार है, फिर बच्चों ने भी सारी करनी है ना। बच्चों को नहीं, बच्चे लेट करते हैं ज़रा। ठीक है, आप आ जाएं जल्दी करें, बाजी भी बैठी हुई है, बाजमीना भी है, आ जाएं। चलो जी लाइट जलती रहे है। और मैं आ गई जी ऊपर, और ये देखे जी माशाल्लाह पराठे तो 3-4 बन गए हैं, बाजी सारी खा रही है। और चाय की कंडीशन क्या है बाजी, दिखा दे। बस ये उबाल आने वाला है। चाय बन गई है, जल्दी जल्दी आ जाए। चाय बहुत आज जबरदस्त बना दी, जबरदस्त। ये तो पी के देखेंगे फिर पता चलेगा जबरदस्त बनी है या नहीं। और ये जी हस्बैंड साहब को डाल के देते हैं ये प्याज और टमाटर और अंडों का आमलेट। उनका पराठा जबरदस्त पराठा है जी आपका, तो गोल्डन गोल्डन गर्मा गर्म। और ये है जी इनका सालन। चाय डाल। हाँ चाय डाल। चाय ठीक हो गया। और ये है मेरी चाय। सारी कर लेते हैं, फिर बच्चों ने आ जाना है, दूसरी शिफ्ट लगनी है मक्खन वाला। और ये है जी मेरा सालन। और ये जी मेरी चाय। ये मैं जी अब सारी करूँगी, अब मैं भी साथ साथ सारी कर लेती हूँ और भतीजी भी कर लेती है, फिर बाजी रह जाएंगे और बच्चे रह जाएंगे। टाइम हो चुका है जी 4:45। बहुत टेस्टी बना है, सुनो मजेदार मजेदार। और ये देखें जी बाजी भी अपनी सैरी कर रही हैं पराठा और आमलेट के साथ। हस्बैंड साहब ने जी कर लिया है जी, और बाजी ने भी जी अपनी सैरी कर ली है। आपने भी कर लिया। बस मेरा थोड़ा सा ये रह गया। हाँ जी चाय और ये करें फिर। ठीक है जी। और ये है जी हमारा आखिरी पराठा, डाल दिया जी बाजी ने।
और इधर जी बच्चे आ गए हैं जी, वो अपनी सैरी कर रहे हैं। ये तो बाजी मीना ही है, कर चुकी हैं। और ये देखें जी, ये मलाइका भी आ गई है, ये कर रही है। और साथ साथ जी बाजी अपनी सैरी कर रही हैं और साथ पराठा बना रही हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है जी, 4 बज चुके हैं, तो बस थोड़ा सा टाइम रह गया है, सैरी करते करते काफ़ी टाइम हो जाना है। और ये देखें जी, बाजी अपनी साथ साथ सैरी भी कर रही हैं और साथ पराठा भी बना रही हैं। बाजी ग्रीन टी के नीचे जी आग जला दें, ताकि साथ साथ ये बच्चे भी पी लेंगे। गर्म ही है, चलो सही है। और ये है जी इरमा की सैरी, आ गई है जी इरमा भी, और ये उसका पराठा, दही और ये उसका सालन। चलो जी इरमा जल्दी करो जी अपनी सैरी, टाइम थोड़ा है जी, जल्दी जल्दी कर लें जी सारे। आपने कर लिया है, चले जी फिर आप तशरीफ लेके जा सकते हैं। अभी जी बच्चों ने कहावा पीना है जी। और ये है जी ग्रीन टी, तो बाजी को देते हैं जी सबसे पहले, और ये देते हैं जी बच्चों। तो ग्रीन टी जी मैंने सबको दे दी है, तो बस जी ये आखिरी प्रोसेस चल रहा है, और उसके बाद ये सारी बंद हो जाएगी, और फिर ये सारी चीजें जी यहाँ से हटा देंगे। अभी बच्चे ऊपर ही बैठे हुए हैं जी। और पानी वगैरह जी हमने पी ली है, बाजी उधर बैठ कर जी पी रही है, और नियर वगैरह जी हमने कर ली है, नियर भी जी हमने कर ली है। और ये जी हमारा जो सालन बचा है आमलेट वाला, ये कल काम आ जाएगा, तो अब जी थोड़े से बर्तन है वो वॉश करेंगे, और फिर नमाज पढ़ेंगे, फिर सफारा पढ़ेंगे। तो अपनी वीडियो का जी एड करते हैं, और उम्मीद है कि आपको आज की हमारी सारी की रूटीन जरूर पसंद आएगी। तो हस्बैंड हमारी रिक्वेस्ट होती है जी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दें जी, और हमारे जितने बहन भाई दोस्त बाब हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे जी सबके रिजल्ट में अल्लाह पाक इजाजत फरमाए, सबको से तो तंदुरुस्ती अता फरमाए, और सबको जी इस माह रमजान के रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो इजाजत दीजिए जी, खुदा हाफिज। बाजी पढ़ेंगे जी अब नमाज, और बाजी इधर जी बर्तन वाश कर रही हैं, और फिर ये भी नमाज़ पढ़ेंगी, और मैं भी जी नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, और इधर जी मशीन लगेगी, और कपड़े भी जी वाश किए जाएंगे आज।